उदाहरण 16। प्रश्न, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः ई और डी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण सीबीई और कोण बीसीडी के समद्विभाजक क्रमशः बीओ और सीओ बिंदु ओ पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण बीओसी बराबर 90° ऋण 1/2 कोण बीएसी है। हल, किरण बीओ कोण सीबीई की समद्विभाजक है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण सीबीओ बराबर 1/2 कोण सीबीई, या हम लिख सकते हैं 1/2 180° ऋण वाई, या हम इसको लिख सकते हैं 180° बटे 2 ऋण वाई बटे 2 या 90° ऋण वाई बटे 2। समीकरण 1। इसी तरह किरण सी ओ कोण बी सी डी की समद्विभाजक है, इसलिए कोण बी सी ओ बराबर 1/2 कोण बी सी डी, या हम लिख सकते हैं 1/2 180° ऋण जेड बराबर 90° ऋण जेड 2। समीकरण 2। फिर से चित्र क्रमांक 43 ध्यान से देखिए। त्रिभुज बीओसी में त्रिभुज के कोण योग गुण से हम लिख सकते हैं कोण बीओसी धन कोण बीसीओ धन कोण सीबीओ बराबर 180°। समीकरण 3। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर कोण बीओसी धन 90° ऋण जेड 2 धन 90° ऋण वाई 2 बराबर 180°। कोण बीओसी धन 180° हो गया ऋण जेड 2 ऋण वाई 2 बराबर 180°। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कोण बीओसी बराबर 180°। इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे 180° धन जेड 2 धन वाई 2। ये धन 180 और ऋण 180°, तो हमें बचता है कोण बी ओ सी बराबर जेड 2 धन वाई 2। समीकरण 4। पुनः चित्र देखिए। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के कोण योग गुण से हम लिख सकते हैं एक्स धन वाई धन जेड बराबर 180° या वाई धन जेड बराबर 180° ऋण एक्स। समीकरण
पांच। समीकरण पांच से समीकरण चार में मान रखने पर कोण BOC बराबर Z बटे दो धन Y बटे दो, समीकरण चार में हमें मिला था, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक बटे दो Z धन Y या एक बटे दो Y धन Z। समीकरण पाँच हम मान रखते हैं तो हमें मिलता है एक बटे दो 180 अंश ऋण X। समीकरण पाँच से समीकरण चार में मान रखने पर हमें मिला था कोण BOC बराबर एक बटे दो 180 अंश ऋण X। इसे हम लिख सकते हैं 90 अंश ऋण X बटे दो, या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 90 अंश ऋण एक बटे दो कोण BAC। हमें मिला कोण BOC बराबर 90 अंश ऋण एक बटे दो कोण BAC, यही सिद्ध करना था।